मिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप हर चीज डिजिटल करें, मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी से पैसे का लेन देन करते हैं, तो थोड़ा डिजिटल तरीके से करें। तरीका क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का आप या तो UPI ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो जो बैंक की एप्लीकेशन है उससे आप ट्रांजेक्शन करें एक दूसरे से पैसे का लेन देन। चलिए यहां तक तो बात इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हम इंडिया में रहकर यदि हम कैशलेस घूमे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो इस कैशलेस दुनिया में आपका नुकसान भी करा सकती हैं। क्या है ये नुकसान और क्या है पूरा माजरा जिससे आप सभी को प्रॉब्लम होने वाली है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग जाए, मतलब जरा से अच्छा लग जाए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि फास्टो चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगा, यदि इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों के पास कंप्यूटर है मतलब लैपटॉप है तो उनको क्विक हील के बारे में जरूर पता होगा। और क्विक हील ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि अब वायरस की नजर है आपके बैंकिंग एप्लीकेशन में। लगभग 232 मोबाइल एप्लीकेशन पे वायरस ने अटैक कर दिया है और उसमें हमारा देश मतलब भारत के बैंकिंग ऐप भी शामिल है। यदि मैं इस वायरस का नाम बताऊं, इस वायरस का नाम है एंड्रॉयड बैंकिंग A9480। ये वायरस जो भी आपके फोन में, आपके एंड्रॉयड फोन में जो भी बैंक से रिलेटेड ऐप है, चाहे आप SBI की मोबाइल बैंकिंग यूज करें, चाहे आप एक्सिस बैंक की करें, चाहे IDBI बैंक की करें या किसी अन्य की, ये पूरा का पूरा वायरस आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्लोन बना लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये आपके OTP मतलब यदि आपने इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया तो आपका OTP भी ट्रैक हो जाएगा। भाई लोग थोड़ा बच के रहें, यदि आपके मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन हैक हो गई नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के थ्रू बहुत सारी करतूतें करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लेते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जो चीज करना है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका ध्यान भटका नुकसान आपका है। सबसे पहले आपने जो भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बैंक से रिलेटेड है, सबसे पहले उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये मेरा कहना है। और फिर से आप उसे इंस्टॉल करें, या तो आप प्ले स्टोर में जाकर करें या तो जो उनकी वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करें। ऐसा करने से आपको ये होगा कि जो आपका पुराना डाटा है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और मेरी आपको एक सलाह है, आप जल्दी से अपना पासवर्ड भी चेंज कर लीजिए, चाहे आपका लॉगिन पासवर्ड हो चाहे आपका प्रोफाइल पासवर्ड हो। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज नहीं करना, क्योंकि आपको गूगल में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती हैं जो ये कहती हैं कि भाई आप मेरे में आइए और डायरेक्ट फ्री में यहां से चीजें डाउनलोड कर लीजिए। ये भी बात बहुत अच्छी है, लेकिन कृपया करके आप इन्हें भी यूज ना करें। आपके एंड्रॉयड फोन में एक ऑप्शन होता है अननोन सोर्स का, कोई भी चीज आप अननोन सोर्स से डाउनलोड ना करें, वहां पर आप जाकर डिसेबल कर दें। जैसे आप डिसेबल करेंगे फिर आपकी अननोन सोर्स से कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होगी। कहने का ये मतलब है, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, आप जिस भी बैंकिंग की वेबसाइट को एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा उसे फिर से रीइंस्टॉल करें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज ना करें। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके मेल आईडी में तरह तरह के मेल आते कि भाई लोग आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, वहां तरह तरह की चीजें लिखी होंगी, कृपया उन पे विश्वास ना करें, वहां से डाउनलोड ना करें। जो चीज आपको करना है, आपका प्ले स्टोर है, यहां पर भी आपको सिंपल अच्छे से और फ्री में एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, मैं तो बस ये बोल रहा हूं, आपका पैसा यदि गया नुकसान भी आपका है। मेरा फर्ज था आपको समझाना, यदि आप समझ गए हो
तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे का यदि लॉस हो रहा हो उनका भी लॉस ना हो, और यदि ये वीडियो आपके मतलब का हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।